दरिया बोर्ड के खिलाफ नहीं, मसलन खालिद मियां ने उन्हें बहकाया और उन्हें झूठ बताया है, और हो सकता है शायद खालिद मियां ने उन्हें पैसे भी दिए हो कि ये आके मुखालिफत करें और शरिया बोर्ड के खिलाफ जाए, हमारे शहर काजी के अहदे के खिलाफ जाए। तो बस यही है। और देखिए, जब हम मानते जब आप कोई इंसान एक अहदे पर पहुंच जाता है ना, तो ऐसी मुश्किलें आती हैं। लोग चाहते कि उसे हटाए, उसकी जगह किसी और को रखे। तो ठीक है, अगर खालिद मियां ये सब हरकतें कर रहे हैं तो हम भी कम नहीं हैं। बड़े शातिर इंसान है खालिद मियां। मसलन जो जिस घर पे उन्होंने कब्जा किया, इतने सालों से शरिया बोर्ड की तरफ से उन्हें नोटिस जा रही है कि भाई वो घर खाली करो, हमें बच्चों लोग के लिए लाइब्रेरी बनानी है, वो घर खाली नहीं कर रहे थे। तो फिर एक फाइनल नोटिस देके हमने उन्हें निकाल दिया घर से। अब वो जाके बोल रहे कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और प्लीडिंग वीडिंग करके। ठीक है, हम देखिए, जो इंसान चोर है, कमज़ोर है, डरा हुआ है ना, वो ऐसी हरकतें करता है, वो झूठ बनाता है। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक भीड़ का यही मसला है कि भीड़ को खुद को समझ में नहीं आता कि देखिए, एक भीड़ एक यूनिट होती है, अलग अलग इंसान नहीं होते, वो एक इंसान बन जाते हैं। और इंसान नहीं कहूँगा क्योंकि इंसान के पास तो दिमाग होता है, या भीड़ के पास कभी दिमाग नहीं होता। अगर आगे वाला मारने लगता है तो पीछे वाले भी मारने लगते हैं, लोगों को पता नहीं मार रहे क्यों हैं। तो वो भीड़ की मैंटेलिटी होती है। और यही हुआ कि किसी एक ने शुरू कर दिया तो दे गॉट मोर वायलेंट, बस इतनी सी बात है। तो इंसान वैसे ख़राब नहीं होते, कुछ ना कुछ हम इसका हल निकालेंगे।